तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीएलसी के ऊपर। सारा जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आज हमारा वीएलसी होने वाला है, ठीक है ना। वीएलसी के क्या क्या यूज़ हैं और मतलब वीएलसी को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल आप उसमें वीएलसी को करोगे, आज हम सारी की सारी इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहेंगे। जो मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है फ़िलहाल, इसी के ऊपर ब्लॉग अपना लिखा है कि मतलब आप वीएलसी को किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कैसे कैसे डायरेक्ट आपको लिंक मिलने वाला है, कैसे डाउनलोड करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं वीएलसी के बारे में। जैसे वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग वीएलसी के बारे में जानते होंगे कि एक जाना माना मीडिया प्लेयर है। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे अदरवाइज़ इतने सारे कोडेक्स होते हैं, तो उन्हें कोडेक्स को मतलब चलाने के लिए एक प्लेयर की ज़रूरत होती है। विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपकी मतलब मैक हो, तो उसमें क्या होता है कि अदरवाइज़ जो आप मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, जो विंडो या मैक के साथ आपको मिलते हैं, वो बहुत से कोडेक को अपने पास मतलब प्ले नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपने सिस्टम में वीएलसी आप डाल लोगे तो आपके सारे ही मतलब चाहे वो वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, सारी रिलेटेड क्वेरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसके वीडियो डाउनलोड पेज पे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जब लिंक पर आ जाओगे तो आपको एक यहाँ पर मिलेगा स्टेप वन। सबसे पहले जो स्टेप वन है ये आपको जाना पड़ेगा, स्टेप वन ये यहाँ पर आपको ये स्टेप वन दिखाई दे रहा है ना। इस स्टेप वन में क्या है कि आपको ये देख रहा होगा क्लिक हेड टू गो टू डाउनलोड पेज, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे वीएलसी की। अब जैसे आप वीएलसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड वीएलसी, हम इस पर क्लिक करने वाले हैं। ये ऑटोमेटिक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अपने आप ही जान लेगा, चाहे वो विंडो हो, मैक हो, चाहे लिनक्स हो, उसके हिसाब से ये अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डाउनलोड होने के लिए मेरा तैयार हो गया, ये यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए दे दिया है इसने। यहाँ से हम सेव फाइल कर देंगे या आप क्रोम चलाओगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे वीएलसी मीडिया प्लेयर नॉर्मल वीएलसी होता है, फॉर विंडोज़ के लिए भी होगा, मैक के लिए भी होगा, युबुंटू के लिए भी होगा, एंड्रॉयड के लिए भी होगा और आईओएस के लिए भी होगा। और इसकी बहुत सारी आपको स्किन्स वगैरह भी मिल जाएंगी और एक्सटेंशन इसके बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सटेंशन होते हैं। लाइक जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको दो चार एक्सटेंशन किस किस तरीके के होते हैं। और इसके ये फीचर्स के बारे में बात करना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, वीएलसी स्किन एडिटर। एक्चुअली में इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, केवल आपको अपना ओएस पता होना चाहिए और आपको वीएलसी इंस्टॉल आपके सिस्टम में होना चाहिए। सिर्फ आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक जितने भी आपके मतलब टाइम टू टाइम इसको आप अपडेट करते रहेंगे तो जितने भी आप कोई भी वीडियो चलाना चाहेंगे वो सारी ही वीडियो इसमें रन हो जाती हैं। तो उसी के लिए हम वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारा ये करीब थोड़ा सा डाउनलोड हुआ है, मैं थोड़ी देर पाउज कर देता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। और चलिए इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी इसके बारे में जान भी लेते हैं पाउज ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। वीएलसी फॉर विंडोज़, जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ क्या है, सभी मतलब आप चाहे एक्सपी चला रहे हो, चाहे 7 चला रहे हो, चाहे 8 चला रहे हो, चाहे 10 चला रहे हो, लाइक आप जैसे कि देख रहे हो 95, 98 मी, मतलब ये उस टाइम की विंडो है जब कह नहीं सकते, मतलब कि 1900 के समथिंग आपको ये जो वीडियोस हैं ये उस टाइम की हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइक सबसे शुरू के ही ऑपरेटिंग सिस्टम इनको हम कह सकते हैं 95, 98 मी जो हैं। अब आपको अगर ओल्ड वर्जन कोई डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं ब्लॉग पे आके, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन वगैरह नॉर्मल है, आप लेटेस्ट वर्जन फ़िलहाल अभी जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ 3.0.14.14 है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि इफ़ यू ऑलरेडी रन द अपडेटर, इफ़ यू डाउनलोड द इंस्टॉलर, यू कैन रन इट मैनुअली बाय ओपनिंग अ फाइल एक्सप्लोरर, विंडो प्लस की आप जस्ट इसको दबाएंगे, एक्सप्लोरर आइकन आ जाएगा और आप इस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो वेटिनरी, इसका लेटेस्ट वाला वर्जन है, पोस्ट मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑन मे 10th मे 2021 को इन्होंने ये लॉन्च करा है, लेटेस्ट वर्जन दो है। और अगर आप पहले से ही डाल रखा है तो ये ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने आप ही अपने आप को अपग्रेड कर लेगा, ठीक है। नॉर्मली ये सारी चीज़ हम इसके बारे में बात करना चाहते थे। और यदि आपने अब जैसा ये है हमारा थोड़ा सा ही रह रहा है बस, लाइक ये हमारा फाइनलाइज होने ही वाला है, केवल 10 KB बचा हुआ है और सिर्फ 2 मिनट का वेट है और ये अब हम
हो गया है। अब ये हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट ही आपका इंस्टॉल होने के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो जैसे कि आप नेक्स्ट है, ये मेरे को अपग्रेड करने के लिए लगा रहा है बिकॉज़ मैंने पहले से अपने में सिस्टम में ये देखिए देख सकते हैं आप VLC डाला हुआ है, VLC डाला हुआ है। VLC ये दो आपके इंस्टॉल होने वाले हैं, नॉर्मल VLC होने वाला है और एक VLC स्किनेड वाला इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ये भी कहने लगा है कि भाई साहब अब वेटनरी में आपको अपग्रेड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट करना है। नॉर्मली आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलेंगे, आपका जो VLC है वो ऑटोमेटिक इस तरह से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपकी वीडियो चलने में प्रॉब्लम कर रही थी, आप उसको इस पर रन कीजिए, वो वीडियो आपकी ऑटोमेटिक इस पर रन हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंस्टॉलेशन, जितना अच्छा सिस्टम का आपका हार्डवेयर होगा उतनी ही जल्दी आपका जो VLC है वो इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज़ छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी फाइलें होती हैं, उनको टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, तो थोड़ा सा वेट करें। वो जैसे कि आप देख रहे हैं रन VLC मीडिया प्लेयर, ये रन होने के लिए तैयार हो गया है। फिनिश कर देते हैं और थोड़ी सी एक्सटेंशन के बारे में बात कर लें, पैरट सबटाइटल के बारे में, VLC सबर नाउ प्लेइंग इन टेक्स्ट गेट मूवी इन्फो, इन्फो ये ऑटोमेटिक इन्फो उठा लेते हैं, ये सब इसी ये स्मार्ट लोड हो जाएगा। VLC प्लेयर वीडियो मुकर फोर, मतलब बहुत सारे इसके एक्सटेंशन इन्होंने बना दिए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल VLC आता था। जैसे कि आप अब ये देख रहे हैं हमारा VLC रन हो चुका है। जो ये रन हो चुका है तो अब एक आधी हम कोई वीडियो इंस्टॉल मतलब वीडियो वगैरह चला के देख लेते हैं, वीडियो का एक ऑडियो चला के देख लेते हैं बिकॉज़ आई थिंक सिस्टम में वीडियो होगी नहीं, क्योंकि मेरे को यूज़ नहीं होता कोई वीडियो का, इसलिए मैं सिस्टम में डाल के रखता नहीं हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ये हम देख रहे हैं, ये तो हमारा मीडिया प्लेयर था, नॉर्मल था, लेकिन अब हम इसको इंस्टॉल इसको चलाते हैं VLC प्लेयर में। अब जैसे कि ये है आपका, ये देखिए एक अलग ही लुक आपको मिलने वाला है, बहुत सारी इसमें चीज़ मिलने वाली है। जैसे कि ये होगा, ये आपको इसमें मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इक्वलाइजर भी मिलने वाला है, वीडियो में इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, इमेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की एडजस्टमेंट होती है, ब्राइटनेस वगैरह होती है, ब्राइटनेस बहुत सी वीडियो में कम होती है उसको कर सकते हैं आप, क्रॉप भी कर सकते हैं वीडियो को, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ज्योमेट्री हो गया, एडवांस हो गया, साइनोराइज हो गया, बहुत से ऐसा होता है वीडियो ऑडियो आगे पीछे होते हैं, तो उनको आप यहाँ से साइनोराइज करके आगे पीछे को अपने हिसाब से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एनालॉग 3D मिरर वेव्स वाटर इफेक्ट, ये सब इफेक्ट हैं इसके अंदर, इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज हमने VLC के बारे में सब कुछ बात कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो बिकॉज़ आई अप्रिशिएट। डोंट विदाउट योर लाइक एंड सब्सक्राइब, इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, मन नहीं करता भाई सब वीडियो वगैरह बनाने का। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसको लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इसी तरह की हम बहुत ज़रूरी ज़रूरी जो वीडियो हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और यदि किसी को युबुंटू वगैरह या लिनक्स में इंस्टॉल करना है VLC, तो उसके लिए नीचे वीडियो इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना, इसी में ही आपको नीचे थोड़ा सा नीचे चले जाओगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ और नई नई वीडियोस के बारे में जानते रहें और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहें। और प्लीज़ आप बताइए आपको जिस भी चीज़ जिस भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, उस कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।